मुफ्ती साहब ये बताइए कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर शोबे को शामिल है। इस्लाम हमें सिखाता है कि खुदा ताला एक है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, और क़ुरान खुदा ताला की किताब है। इरशाद नबवी है, अलमुस्लिमु मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, यानी हकीकी मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। इसी तरह एक दफ़ा का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सवाल किया, इस्लाम क्या है, यानी इसका क्या मतलब है, इस्लाम क्या है, वो हमें क्या सिखाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकाम अस्सलात व इता अज़्ज़कात व सौम रमज़ान व हज। इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है। सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबून नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। उसके बाद नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना है।